आज हम देखेंगे इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर का प्रो पबजी गेम प्ले, जिसको देख के तुम शॉक होने वाले हो। अगर तुम चैनल पे तो सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि आज हम देखने वाले टेक्नो गेमर्स को, इससे शुरू करता है आज की मजेदार वीडियो। अब टेक्नो गेमर्स हमारे यहाँ स्कूल में आते हुए, ठीक है, अब पता नहीं, मेरे को लगता है कि उतने लोगों को नहीं पता होगा, बट एक्चुअली में टेक्नो गेमर्स हमारे पबजी मोबाइल के प्रो प्लेयर थे, जो कि बाद में बाकी गेम्स को स्विच करके, लेकिन आज भी खेलता है पबजी मोबाइल, ज्यादा लगता है। और ये क्लिप थोड़ी पुरानी है, लाइक 3 साल पुरानी है, बट तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा तोड़ता था पकड़ के पबजी मोबाइल में लोगों को। पार्टी वाले ने पुश कर दिया, पग्गी ने रश कर दिया इनके ऊपर, पार्टी वाले ने पुश कर दिया। राइट से एक प्लेयर आने वाला है मेरे को लग रहा है। अरे ये तो ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इधर। टीममेट और एनिमी अपन एनिमी चुन गए। ओ नो, के टीममेट एक तो फिनिश हो गया शायद से, और एक और नॉक हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, कवर में आके मरता हूं हर बारी। क्या डीसिंग सबसे गंदी, कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। एलकीडा एक्स्ट्रा यार यूज करना है, ये बहुत इंटेंस होने वाला है इधर। नहीं है, ये सिरिंज लगा ली, यूज करना है, बैंडेज ले ले। इंडोनेशियन लॉबी है भाई, वो प्लेयर बहुत, भाई मैं बता रहा हूँ ना, तो लेता सिरिंज। एक ऐसी लॉबी जिसमें जाने से पता है, कोई भी हम लोग जब खेलते थे मेरे दोस्त वगैरह, मैं हमको कभी भी मारा होता है इंडो लॉबी में नहीं जाना, तो वहां पे लोग अंधों की तरह रश करते हैं यार। वो भी स्कारल लेके घुस जाते हैं, वो लोग हेडशॉट पे हेडशॉट मारते स्कारल लेके भाई। वो बनो तो बेस्ट प्लेयर है भाई उधर के, रश के टाइम पे तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं भाई इनका। अरे 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 ये बंदा कहां से आ गया भाई। इन प्लेयर्स का गेम खेलना सबसे हार्ड है भाई, मजाक से करके। ओए मत जा, सही में इनके अगेंस्ट रश नहीं कर सकते यार, वो ऐसा टीपी भी लेते हैं ना। नेट डालेगा, रुक जा, सामने वाला घर में बंदा है। ओके यहाँ पे ग्रेनेड निकाला एक, नहीं नहीं मत, अरे बंदा बाहर आ गया। अरे 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 स्कैम स्कैम, ग्रेनेड इसमें गिर गया, बच गया भाई। राय मैन्यू तेरे पीछे, थोड़ा सा ही बचा भाई, लेकिन इसका टीममेट बचेगा कि नहीं, तेरे पीछे कवर नहीं दे रहा मैं। अरे 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 बे ही यार, वो लोग बहुत डेंजरस तरीके से रश करने वाले हैं भाई, मजाक से नहीं हूं तेरे पीछे, इनको रोकना अब यहां पे बहुत मुश्किल होने वाली है, लोग पागलों की तरह रश करते हैं भाई। ग्राउंड फ्लोर पे हूं, ओके ग्रेनेड निकाला है, ग्रेनेड फेंका कमरे में, वो मेरे पे नेट डाल दिया। कोई साला उसमें भी लग रहा है, स्विमिंग पूल वाले में भी। अब इस बंदे को तो मैंने गजब ही वाला वाला, मतलब कि उसको लग रहा था कि मैं वो बाहर निकलेगा तो मैं उसे मार दूंगा, तो मतलब उसे कंफर्म तो पता था बाहर निकलते तो मर रहा था, बट उसकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी क्योंकि मैं वहां से जा ही रहा था, बट वो मारा गया। अब यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद वो छत पर जब मैं आया, मतलब इस साइड आया, तो छत पर एक बंदा सांप बना हुआ था, तो भैया राय ने क्या जहर कवर फायर दिया, मतलब कि दिल्ली खुश कर दिया लोंडे ने, तो यहाँ पर आकर राय ने हमें रिवाइव दिया, मतलब कि यार कभी कभी तो मजा सा आ जाता भाई अगर ऐसा कवर फायर मिलता है तो। बट यार हमारी भी यहाँ पर गलती थी, हम हार्डबोर्ड और अजाजीन को नहीं बचा पाए। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे राय, मतलब कि ओला ड्राइवर की अभी ड्राइविंग देखना हमारे ओला ड्राइवर। अरे भाई सब गाड़ी का ठुक गई है। अरे 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 भाई भाई, वो चार बंदे क्या कर रहे हो, एक बंदा नॉक किया इसने भाई साहब, एक और प्लेयर नॉक, लेट्स गो। तीसरा प्लेयर ओपन ने भाग किया लेफ्ट साइड से, उसको डैमेज दिया भाई भाई भाई, ऑल डेड भाई, क्या ही 1v3 किया, टीपी भी लेके 1hp मार रहा है इसने, मतलब कि भैया मतलब ओला ड्राइव, अब ओला नहीं बुक करेंगे, उबर बुक करेंगे, ओला ने आज धोखा दे दिया था, बट वो तो अच्छा हुआ कि हमने बचा लिया जैसे तैसे, टैक्सी बुक करो। बट यार मजा आ गया यहाँ पर तो, इनका एक पत्थर ना होता ना, मतलब ये पत्थर नहीं होता तो आज हम कुछ नहीं थे, मतलब जिंदा ही नहीं होते, ये गेम प्ले नहीं दिखता आपको, बट अभी हम जिंदा थे तो आपको गेम प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी जो है इतने सारे बंदे तो स्कूल में ही निपट गए, वो चिंकी में निपट गए, 6-7 स्क्वाड, अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि हम जा ही रहे थे तभी सामने डासिया देखी, एंड यहाँ पर फिर से ओला ड्राइवर ने मेरे, अभी देखना हेडशॉट पड़वा देंगे हमारे ओला ड्राइवर। क्या बात कर रहा है, अरे भाई साहब लग रहा है ये धीरे-धीरे खिंचला रहा है एनिमी, इस टाइम मेरा टीममेट लग रहा था भैया, गाड़ी क्यों रोकी, मेरा हेडशॉट पड़ गया लेवल 3 का, पूरा फ्रेश हेलमेट खत्म, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे गाड़ी बंद हो गई सामने, सीधा यहां पर जहां पर वो ऊपर चढ़ा हुआ है, अब यहां पर आकर इन्हें निपटाएंगे, क्योंकि यार यहां पर वो लोग छत पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना मैं जाऊंगा इजीली, नेट डालेंगे वहां से, हट जा। ओके यहां पे हेल्थ मार रहे हैं भाई, वो ऊपर चढ़ के एकदम फुल स्पीड हो रही है, लेकिन इनकी पोजीशन पता नहीं, तो ये लोग मत आना, एक ही नेट से दो नहीं आने, लेकिन उनको मार सकते हैं अगर वो ऊपर ने वापस आए तो। वो बंदे छत पे नहीं है, अरे बढ़िया नेट था अपोनेंट का, थोड़ा सा पहले गिर गया एक, वो पीछे वो स्क्वाड हाउस के नीचे वाले जो होता है ना, वो देख छोटे वाले हाउस बालकनी, अब देखते हैं इधर क्या। अरे अरे भाई साहब क्या रेड जोन बना रखा है उन्होंने, उनकी नेट खत्म नहीं हुई क्या अभी तक, चल रहा है एक बंदा नीचे आया, ये नीचे क्यों आया, अपने आएगा
उसको आना नहीं चाहिए था नीचे, उसको अच्छी पोजीशन थी भाई। ये लोग स्क्वाड हाउस छोड़ के बाहर क्यों रश कर रहे हैं? स्क्वाड हाउस तो जोन में भी है भाई। अरे भाई साहब स्कैम भाई, गलत हुआ, फट गया भाई। भाई कितने ग्रेनेड है इन पे, पीछे है। तो अब यहां पे टेक्नो गेमर्स यहां पे दो बंदों पे रश कर। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे ये तो मुंह पे जाके उनको प्यार की थपकी दे आया भाई। वो देखते रहे कि बेचारा आराम से रिवाइव हो गया था और हील कर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने गलत टाइम पे एंट्री करी और बहुत ही तगड़ा एकेएम का स्प्रे दोनों की खोपड़ी पे बचा दिया। अभी यहाँ पर वो बंदा बचा हुआ है जो कि पीछे की तरफ से आया था मिल्टा पावर की साइड से, और अब देखना उसको भी बहुत ही बुरा वाला मारूंगा। ये एकेएम की स्किन भाई मैंने बहुत चलाई, ये एकेएम की स्किन एक्चुअली में बहुत मस्त है भाई। मतलब कि भाई मेरे पे अच्छा खासा रश करने आ रहा था फुल जोश में, लेकिन ऐसे गलती से डीपी की दो गोली चल जाती है और भाई उसको रीलोड करने के लिए वापस नीचे चले जाता है। भाई क्या बोलू बेचारे की पीठ तोड़ देता हूं मैं M249 से। अभी फिलहाल मैं बग्गी भगाते भगाते सामने जा रहा हूं तो रोज़ो पर तभी लेफ्ट से फायर आता है बहुत तगड़ा, और यहां पर फाइट चल रही होती है और देख लो सामने वाले बंदे को मैं कैसे मारूंगा। यहां पे थोड़ा सा ओपन में थोड़ी गाड़ी रोक दी, थोड़ा सा रिस्की मूव है क्योंकि अगर ओपोनेंट ऊपर से उसको स्पॉट करता है तो उसमें अच्छा एडवांटेज होगा, लेकिन अपोनेंट तो आपस में ही लड़ने में बिजी है। बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है और झटके से ना मामला एकदम शांत हो जाता है। मतलब कि एक बंदा तो मेरे को दिख जाता है जो घिली सूट वाला होता है और वही ना M249 से सबको बिछा देता है, और अभी देखना मैं भी उसको बिछा दूंगा। यहाँ पे भाई रश तो खुले में हो रहा है भाई, बहुत कॉन्फिडेंस भाई। एक तो घिली सूट वाला बंदा ऊपर से वो दिख नहीं रहा, ऊपर से उसमें M249। यहाँ पे ओपन पे रश करना आएगा से उतना रिकमेंडेड नहीं होगा क्योंकि ये यू नो बहुत रिस्की सिचुएशन है, लेकिन टेक्नो गेमर घुस गया। अरे गिली सूट वाला प्लेयर कहाँ देख रहा है? यहाँ पर इस बंदे को लग रहा था कि ये पूरा घास में छुपा पड़ा है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी बॉडी मेरे को दिख गई थी राइट से, और यहाँ पर इसके पास मुझे एटेक्स मिल गया और उसके पास भी सेम वही कॉम्बो था जो कि मैं लेके घूम रहा था M249 और ओम का। तभी ना नीचे से एक गाड़ी और जाती है ड्रॉप की तरफ में, और यहाँ पर अभी मैं भी जल्दी से चल जाऊंगा ड्रॉप पर, और अब देखना वहां पर भी क्या मस्त फाइट होने वाली है। ये गिल्ली सूट वाला प्लेयर एक्चुअली में यू नो बहुत अच्छा चांस था टेक्नो गेमर्स को मारने का, अगर वो इतना नाचता फिरता नहीं ना, पता नहीं आराम से लेटा रहता है। गिल्ली सूट है भाई तेरे पे, वो कहाँ रिंगता रिंगता जा रहा था भाई। अरे ये गाड़ी तो जली भी है ऑलरेडी, ड्रॉप पे लड़ाई हो चुकी है लग रहा है। बंदा लूट रहा है क्या भाई? यार यहाँ पर मैं आराम से फुल मजे में सामने वाले बंदों को देख रहा था, ड्रॉप पर एक गाड़ी फूटी हुई थी, लेकिन ना इस घर के अंदर एक बंदा बैठ के कैंप कर रहा था। क्या बात कर रहा है अरे भाई, भाई कैंपिंग की सीमा होती है भाई। अच्छा कि ये बाहर नहीं निकला क्योंकि मैं तो आराम से ओम मारने में बिजी था सामने वाले को, और अगर ये निकल जाता तो मेरा मुंह तोड़ देता। और यहाँ पर ना अभी फिलहाल जो ये बंदे थे ना, मतलब अपना ड्रॉप के पीछे बैठे हुए थे, लेकिन ना ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना ही मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, अपनी बग्गी लेके पूरा फ्लैंक कर दूंगा और यहाँ पर देखना फिर इनको कैसे मारेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मारते हुए पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार जाते हुए लेफ्ट साइड में बंदा दिख गया भाई पेड़ के पीछे, बट बंदे ने शायद से इसको स्पॉट नहीं किया और यहाँ पे ओपन ने भागता हुआ जा रहा है। अरे बॉडी शॉट तो भाई यार अभी तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, ये लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव देने जा रहे थे आराम से मजे में, लेकिन तभी सामने एक अलग ही गेम का प्राणी दिखता है भाई साहब। मतलब कि इतनी तेजी से क्या देख लिया मैंने, क्या देखेगा इसके कोई भी ओम का शॉट नहीं मार सकता। स्लो मोशन देखो, मतलब कि यहाँ पर मैंने स्कोप ऑन करा और यहाँ पर ये आईलैंड जादू स्लो रखे तब भी उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट नजर आ रही है, पूछो मत। खैर छोड़ो जो भी है, अब यहाँ पर बंदों के शॉट बजाना मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ। वो रियल प्लेयर है क्या? I doubt it. Okay, nice, nice, भाई बढ़िया शॉट था एकदम, उसको भाई टकले पे गलत मारा। Okay, ये भी गया। I guess first time, फिर I guess वो ग्लिच होगा मेरे को लग रहा है। भाई AWM, अरे ये खुले में क्या भाई, भाई रेसिंग गेम नहीं है ये, कहाँ खुले में भाग रही पूरी स्क्वाड। अरे इनको गिली सूट फिलहाल यहाँ पर तो ले में नहीं दिख रहा क्या? का पूरा ओम ही ओम बजा कर मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर ना गाइस मुझे एक चीज कमेंट में जाके छुपके हेड मार रहा है, आपके तीन AWM के शॉट मिस हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? भाई मेरे को तो ना पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अजीब सा गुस्सा चढ़ जाता है, पूछो मत। खैर छोड़ो जो भी है, यहाँ पर फिलहाल बग्गी भगाता हुआ था मैं दोबारा से आया था रोज़ो। अरे स्कैम, तो भी दो तीन सांप यहाँ पर लेटे हुए नजर आ जाते हैं। दोनों के ऊपर चढ़ाई थी, दूसरा कैसे बच गया? मुझे लगा कि डबल किल होगा भाई, नेवर माइंड। अरे तो तीन तीन सांप है। ओके इसको कंफर्म किया, बढ़िया भाई, बहुत भाई इसके फ्लिक शॉट अच्छे हैं, बहुत तेजी से फ्लिक कर रहा है। एक्चुअली में स्नाइपिंग ऐसे ही करनी चाहिए, एकदम गोली मारो।
क्योंकि तुमको ज्यादा देर तक बाहर रह के अपना तकला दिखा के रिस्क नहीं लेने का। अच्छा उगली सूट वाला भी भाई बहुत हैवी पिक ले रहा है भाई। मैंने बग्गी से नॉकडाउन करा था, दूसरे वाले के M249 बचा दी ऑटो पे 6x के साथ, और सामने बचा हुआ था एक बंदा और पेड़ के पीछे। ये देखो, ओ भाई उसका हाथ दिखा था सिर्फ। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शॉट भाई। वो बंदा ऊपर भाग रहा है क्या? अरे यार ये आधे आधे लोग सब बंदा हील। कितने डेडिकेटेड प्लेयर्स है, बताओ अपने टीममेट्स को बचाने के लिए कैसे खुले में भाग के जा रहे हो। और एक मेरे टीममेट थे, मैं नॉक होता था ना, बगल में पड़ा होता था, मर जाता था, नूबड़ी के मेरे को लूट के भाग जाते थे। तो यार ये तो मैं टेक्नो गेमर के सबसे खतरनाक तुझे वीडियो में सब्सक्राइब करना बिल्कुल, एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन, ऑल ऑफ यू, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।